तो फाइनली यहाँ पर चलो लेंटर का हम हमारा काम चलेगा अभी 15-20 दिन के बाद ऊपर ट्रस्ट का काम है। तो जब पिछली बार आते थे तो यहाँ पर इनका डल रहा था लेंटर, तो लेंटर में रखवाए थे सरिये पेंचों को बांधने के लिए। तो लेंटर तो भाई इनका पूरा पानी से भरा हुआ है, पानी से लिए भरा हुआ है, लेंटर को दे रहे हैं पानी लेंटर को पक्का करने के लिए। बाकी यहाँ पर बोल रहे हैं कि रखना है इनको ओपन स्पेस, ये वाला यहाँ पर छत नहीं डालेंगे और वहाँ पर पिलर के ऊपर छत आएगी और बाकी ये वाली छत अटिक रूफ ये चाहते हैं। बाकी चलो देखते हैं, करते हैं बात, साइज वगैरह लेते हैं। तो फाइनली जो साइज वगैरह हमने लेना था सारा ले लिया साइज, अब इनकी ड्राॅइंग बनाते हैं पहले फिर करते हैं बात। तो ये काम चलेगा ड्राॅइंग का, इस तरह से कुछ बनने की आएगी ड्राॅइंग ये वाली। तो फाइनली इस तरह से बन के जो ड्राइंग पूरी तैयार है ये वाली। बाकी अब इसकी जो बाकी चेंज करना होगा वो बाद में भी कर सकते हैं, उनसे मिलते हैं कल, वो आगे का करते प्लान। दुकान पे जाना है, एक तो हमारा झूला है वो तैयार है बिल्कुल, डिलीवर कर देंगे। और बाकी हमें एक जो छत का काम अपने देखने गए थे एक दिन, तो छत का काम है वहाँ पर करना शुरू काम, तो उससे पहले उनका फेंकवाना पड़ेगा माल। और बाकी चलते हैं उनके साथ करते हैं परचेज। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि ये गोदाम देख रहे हो एक बार पे, कितना लंबा चौड़ा गोदाम है, सारा अंदर भाई मटेरियल पड़ा हुआ है, सारा माल फ्रेश है ये वाला। और फाइनली हमारा जो लोडिंग होना था माल, सारा लोडिंग हो गया ये वाला माल, बस इसको बांधा जा रहा है इसको। तो फाइनली चलते अब, तो फाइनली पहुंच गए भाई यहाँ साइट पर, और जीप लगा दी पूरी अंदर हमने यहाँ पर नीचे ही, अब यहाँ से उतार देंगे अंदर सारा माल। तो अब अगर मैं राम टिल की बात करूँ तो सारा जो पाइप हमारा आया हुआ वो टाटा में आया है, सारा पाइप ये वाला। तो फाइनली पहुंच गए घर पर और अब खाते हैं गर्मा गर्म खाना, और बाकी जो माल फेंकवाना था छत वाला काम में तो वो माल फेंकवा दिया, तो जो साइट पर रखना था हमने साइट पर भी पहुँचा दिया सारा सामान। और बाकी अब सही टाइम में करते हैं वहाँ पर जो माल जो चढ़ाना ऊपर वो चढ़ाते हैं ऊपर, साथ में जो टूल लेके जाना वो टूल भी लेके जाएंगे। उससे पहले हम अभी टाइम भी हो गया था खाना खाने का, और अभी टाइम हो गया लगभग 2 बज गए हैं, तो पहले से करते हैं खाना खाते गर्मा गर्म और फिर चलते हैं अपना काम पर। और आज बनी अपनी भाई चने की दाल और साथ में चावल, तो चलो फिर खाना खा लिए और अब चलते हैं सीधा साइड दुकान पर जाएंगे पहले। तो पहले हमें भेजना है जो झूला बन के तैयार है, झूले को करते हैं डिलीवर, माल को चढ़ाते हैं ऊपर, वो जो माल चढ़ाने वाला काम है ऊपर चढ़ाते चल के माल सारा ऊपर। अभी 5 बजे जाएंगे तो माल चढ़ा मार लिया ऊपर, बढ़िया हो जाएगा। चलो फिर तो फाइनली भाई झूला कर दिया लोड हमने, अब इसको करते हैं डिलीवर और चलते हैं सीधा साइट पर। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि ये वाला सारा जो माल आया, ये वाला सारा जितना भी पड़ा हुआ सारा टाटा का माल है ये वाला, सिर्फ इसमें एंगल जो है वो है सिर्फ कामधेनु वगैरह का, बाकी सारा ही टाटा का माल ये वाला। तो फाइनली पहुंच गए हम साइट पर यहाँ पर, और जो माल मैंने ऊपर चढ़ना था माल ऊपर पहुंच, लेकिन माल चढ़ते चढ़ते बस हो गई, तो ये रखा हमने खिड़की के बाहर रखा माल है ये, तो ये सारा माल चढ़ा गया वहाँ से, अब यहाँ पर रखा, यहाँ से ऊपर उठा के इस लेंटर पर ले जाएंगे। तो भाई इस पर कम से कम हमने लगा यहाँ पर चढ़ाइए पाइपें 27-28 लेंथ है, तो भाई पसीना निकल गया। और बेड सेट हमने रखा ये वाला यहाँ पर, सुबह करेंगे यहाँ से काम शुरू, बस मौसम साफ दे साफ दे अब, तो यहाँ पर करेंगे शुरू सुबह। तो चलिए ऊपर एक बार चलो, तो आपको यहाँ देखकर आईडिया हो जाएगा भाई वहाँ नीचे रखा था मैं स्टोर में सामान, वहाँ से उठा के यहाँ तीसरी मंजिल पर लेके आना भाई सामान। तो हमारी भाई 3 कैंचियाँ बनके बिल्कुल तैयार है ये वाले, भी इसको करना पक्का। तो उससे पहले चलते खाना खाने घर पे, सुबह से लगे हुए थे और सामान भाई अपने कवर कर इसलिए कर दिया ताकि बारिश ना गिरे। खाते हैं गर्मा गर्म खाना और फिर चलते हैं छत वाले काम में। तो फाइनली पहुंच गए खाना खाकर, और बाकी अब सामान चढ़ाते ऊपर वापस द्वार फिर एक बार, और बाकी बारिश का बना हुआ माहौल ऊपर, और बाकी जब तक बारिश नहीं थी तब तक जो काम हो सकता है वो करते हैं काम,
सबसे तो अभी इतनी भर्ती भरी हुई है, इसको करते चेंज। और साथ में टूल वाला बोरी का रखे, अपने टूल वाला रखी हुई है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमारी तीन कैंची बनी है और जो बन रही है आर्टिक रूफ, बाकी अभी कैंची को करना खड़ा, तब 22 मिनट टाइम लगेगा, तो इसको करते पहले खड़ा यार इनको, तभी चलेगा सारा काम। जो छत का काम लगा हुआ उसकी जो कैंची हमने तीन कैंची कल बनाई और इनको कल खरीदी, इनको खड़ा और बाकी जो काम है वो करते चलकर आज आगे का शुरू। और जो स्ट्रक्चर का जो माल है सारा टोटली टाटा में माल ये वाला, और बाकी इसका जो डिज़ाइन है भाई बड़ा तगड़ा डिज़ाइन बनने वाला है। बाकी चलते हैं, इसका जो ड्राइंग है कम से कम 3 बार चेंज हुई ड्राइंग इसकी, अब वो फाइनली जो बन रही है वो आप देखो। चलते हैं फिर, करते हैं आज का काम शुरू। चलो फिर तो फाइनली पहुंच गए जहाँ पर, तो जो चढ़ाना पड़ेगा सामान ऊपर, तो पहले ऊपर जाकर यूनिफॉर्म पर अपने कपड़े डालते हैं और फिर आते नीचे। तो अभी आपको जहाँ से बताता हूँ मैं, तीन कंपनी खड़ी होंगी हमारी ये इस तरफ। फाइनली कपड़े बदल के हो गए तैयार। यार प्लास तो लिए नहीं मैंने, पर प्लास तो अब जो पाइप के बंडल आते हैं उसमें लगे होते हैं, वायर लगी होती है, तो उसके लिए चाहिए प्लास खोलने के लिए ये बड़ा प्लास। तो चलो फिर चलते नीचे, अब जितना हमें आज का माल चाहिए वो चढ़ाते हैं नीचे से ऊपर। हमें चाहिए आज के लिए 3.5 ट्रायल में चढ़ाने पड़ेंगे लगभग 4 पीस, और बाकी आएगा फिर परनल 1.5x1.5 के। ये रहे 1.5x1.5 के परनल, भाई साहब तो बड़े नीचे हैं। चलो ऊपर है बंडल 2 और ये चढ़ाने पड़ेंगे हमें 2 बंडल, और ये जितना भी ये जो पोल पर लगना है 4x4 का सारा माल ये टाटा में है। पाइपों लगा तो ऑयल वगैरह ज़्यादा ना, उस चक्कर में हाथ सो सो काले। अब ग्लव्स तो लेके आए हैं, ग्लव्स पड़े हुए ऊपर, तो ग्लव्स मंगवाते हैं। अब तो एक लेंथ खड़ी की है यहाँ से, वो जाएगी ऊपर तक। जो माल चढ़ाना था हमने ये चढ़ा लिया हमने ऊपर माल सारा, और बस जी आज दिन एक दिन की जब तक जल माल लग जाएगा तब तक लगा देंगे, उसके बाद फिर से ऊपर चढ़ा लेंगे और माल। और बाकी अभी टाइम हो गया 10:30, 9 बजे पहुंच गए थे लेकिन 10:30 हो गए अब। और धूप आज भाई तगड़ी धूप है, तिक्खी धूप आज, पर चलो कोई बात नहीं। तो ये 10:34, तो ये हमारी 3 कैंचियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और ये बीच में रखा गया सारा ये वाला, ये सारा बीच में बना हुआ है, एक रूम बन जाएगा ये वाला, एक यहाँ पर बनेगा। इंटरसीज जो है वो हमारी बनेंगे 3.5 पाइप में, 75-40 पाइप लगा ये वाला सारा ये वाला, और बाकी बीच में भी सारी राफ्टर वगैरह सारे इसी पाइप के 3.5 के, और जो परलिन आएंगे वो आएंगे हमारे 1.5 इंची पाइप। तो बढ़िया हो गया अभी, बिल्कुल बादल, अभी कोई धूप नहीं, अभी गर्म आए थे 3 बजे तो बज गए 4। तो फाइनली पहुंच गए यहाँ पर, और बाकी जो हमारी 3 ट्रसें खड़ी हैं, 1, 2 और ये 3, और जो रूफ नहीं आ रही अट्टिका में, और बाकी सब इसमें यहाँ पर एक लगा दी, इसमें निकाल दी हमने पोंट यहाँ पर। अब यहाँ से इस तरह को घूमेगी शीट यहाँ तक आएगी, अब यहाँ तक हमको लेके आनी है शीट, ये यहाँ तक जाएगा इस एरिया, और यहाँ से निकलेगी इनकी सीढ़ी आएगी, यहाँ से आएगी सीढ़ी, और यहाँ से एंट्री हो जाएगी अंदर, और ये आगे तक इनका खुला एक रूम की तरह काम करेगा ये वाला एरिया, और एक यहाँ पर ये वाला। अब यहाँ पर बन जाएगी बड़ी केबल, और बहुत तो बीच में सारा रूम ही निकल गया, जो सारा जितना भी है बीच में ये वाला पूरा रूम का काम करेगा ये वाला। तो चलो देखते हैं आगे, अब बाकी ये कि बादल है उस चक्कर में सूरज जो अभी छुप गया और बढ़िया हो गया, जो नीचे क्या अच्छा है घास वगैरह जला रहे नीचे इसलिए। और यहाँ से लोकेशन देखो तो बड़ी लग रही है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन,
हरा भरा बिल्कुल। तो फाइनली हमारा ये वाला होगा कंप्लीट सारा, इस तरफ जो था एरिया सब बंदे। चलो चलते नीचे, अब आपके क्या फ्री जाते हैं, तो यहाँ से आपको दिखा देगा ये इस तरह 8:01। तो वहाँ से निकले थे लगभग कोई 8 बजे, और उसके बाद घर पे आके सीधे बस पहले नहाने वाला काम किया, और उसके बाद चाय पी और खाना खाया, और खाना खाने के बाद अब सोने की तैयारी है। तो मुझे याद है कि वीडियो को तो मैंने एंड किया नहीं, तो अब करते वीडियो का एंड। यहाँ तक अपनी वीडियो देख लिया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए, कौन सी शीट बेस्ट है, हर तरह की आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। अब कल से ब्लॉग जो कंटिन्यू आपके पास ब्लॉग सुबह 8 बजे पहुँच जाएंगे। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए